हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आया हूँ ऊंट मिल्क की डेयरी में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो ऊंटनी के दूध जो बाहर से आता है यहाँ पर किस प्रकार से फिल्टर होता है, सारा कुछ प्रोसेस, और उसके बाद में वो दूध अगर आप मंगाना चाहें तो कैसे मंगा सकते हैं वो भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हमारे केवल करिश्मा जो है उसके ऊंटनी के दूध जो है हम लोग हाइजेनिकली उसको ऊंटनी का दूध को निकालते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि पहले हम लोग जो है ऊंटनी के बच्चे को दो टीथ जो है बच्चे को पिलाते हैं। अभी आप देख रहे हैं माधुराम जी देवासी ऊंटनी का दूध निकाल रहे हैं एकदम ताजा ताजा, और साथ में ये दूध जाएगा कैमल मिल्क डेयरी में, यानी कि सादड़ी के पास में कैमल कृष्णा नामक डेयरी है वहां पर जाएगा। वहां पर जाके फिल्टर होके ये आगे का क्या प्रोसेस रहता है आगे के वीडियो में पूरी डिटेल में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ऊंटनी का ताजा दूध निकालकर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कैमल मिल्क डेयरी में, यानी कि सादड़ी के पास कैमल कृष्णा नामक डेयरी है वहां पर मैं पहुंच चुका हूं, और आगे का प्रोसेस देखेंगे इस डेयरी के अंदर किस प्रकार से दूध को फिल्टर किया जाता है, किस प्रकार का सारा प्रोसेस होता है, और उसके बाद में आगे कैसे सेल किया जाता है तो देखेंगे। सबसे पहले एंटर होते ही दूध की एंट्री होती है, कितना केजी आया बाहर से, सारा लेके आगे का प्रोसेस हम धीरे धीरे इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ में। वहाँ पे जो है इसको ठंडे पानी कर देते हैं, उसमें से सैंपल निकाल लेते हैं। सैंपल होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा। बिल्कुल आगे चेक करें, ये जो है वैसे प्रोसेस 3 घंटे का होता है, लेकिन ये आधे घंटे में शो कर देगा कि दूध की क्वालिटी कैसी। जो हमारे पास दूध आया है वो फ्रेश दूध है, ऐसा तो नहीं कि रात का मिला हुआ खराब दूध तो नहीं है। तो ये मशीन शो कर देगी, ये मशीन ने शो कर दिया कि भाई दूध की क्वालिटी अच्छी है हमारे पास। फिर इसका फैट आएगा, SNF आएगा, वो फिर जैसे ये पे सब कम्प्लीट है कि भाई फैट भी अच्छा आ रहा है, एसिडिटी भी अच्छी आ रही है, और MBRT भी अच्छी है, फिर हम लोग प्रोसेस करते हैं। जो हमारा जो फिक्स टेम्परेचर 75 रखा हुआ है, 5000 75 पे होगा, और जो बाहर आएगा वो 4 डिग्री पे ठंडा होके बाहर आएगा। प्रोसेस होता है, लेकिन ये आधे घंटे में शो कर देगी मशीन कि दूध अगर दूध अच्छा है तो 3 घंटे का जो है ब्लू है वैसा ब्लू ही रहेगा, अगर खराब होगा दूध तो अपना वाइट हो जाएगा। उसका जो टेम्परेचर है वो चेक करेगा इसको।
तीनों तीन सैंपल थे हमारे पास, तीनों में हमने 10 ml ले लिया गर्भ एसिड एसोफोर। अब इसमें आएगा वो मिल्क जो कि 10.75 ml आएगा पर में, तीनों में एक एक 10.75 ml है। आपने देख लिया कि भाई फैक्ट्री है एसिडिटी किस तरह से सैंपल होते हैं, वहाँ पे तैयार सब हो गया, कंप्लीट हो गया काम, फैक्ट भी अच्छा आ रहा है, एसिडिटी अच्छी आ रही है, एमबीआरटी भी अच्छा आ रहा है, तो फिर हम लोग जितना भी दूध था इसमें डाल देते हैं। एक घंटे का प्रोसेस होता है हमारा जो है पॉस्चराइज का, वो 75 रखा हुआ है, फिक्स टेम्परेचर है 75 पे, मशीन आते ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है, और 4 डिग्री पे हमारा ठंडा रोका, 75 पे बंद हो गए, फिर जैसे मिल्क ट्रांसफर कर दिया यहाँ से तो 4 डिग्री पे ठंडा हो गया, इन पाइपों से हो गया सीधा यहाँ टैंक में आ जाता है, फिर हाथों से बोटलिंग करते हैं, फिर यहाँ हाथों से बोटलिंग होगी या फिर लगा के सीधा डीप फ्रीजिंग करते हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए पूरा बिल्कुल फ्रोजन फॉर्म में है, और आप 3 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हो, और फिर हमारे जो लेबल है कंपनी का इस तरह से लगेगा, फिर दिल्ली तो दूध आने से लेकर इसमें आने तक कितना टाइम लग जाता है? करीब 2.5 घंटे के आसपास जी। इस पे डेट है, एमबीआरटी पूरा प्रिंट होके फिर दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद जहाँ से ऑर्डर है वहाँ हम लोग भेजते हैं बाई बस और बाई ट्रेन से। इस प्रकार इस वीडियो में आप लोगों ने देखा जो ऊंटनी का दूध बाहर से आता है उसको इस कैमल मिल्क डेयरी में कैसे फिल्टर किया जाता है, कैसे पूरी रीडिंग होती है, सारी डिटेल जानी, और इसके बारे में अधिक डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।